डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम स्केलेटल मसल्स पे बात करेंगे। जैसा कि इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ मसल्स को डिस्कस किया और उसमें हमने ये देखा था कि स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं दैट आर अटैच्ड टू बोन्स। ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं बाय बंडल्स ऑफ कोलेजन, नॉन इलास्टिक फाइबर्स, यानी कि नॉन इलास्टिक फाइबर्स के साथ अटैच होंगे, एंड दैट नॉन इलास्टिक फाइबर्स और कॉल्ड टेंडन्स, इनको हम टेंडन्स कहते हैं। जैसा कि अगर हम देखें, एक हमारे पास बोन है, ये बोन है। अब इस बोन के साथ जो मसल अटैच होगा, ये एक कोलेजन फाइबर के साथ यहां पर अटैच है, लाइक दिस। ये हम मसल की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो आपको फाइबर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड टेंडन। ये टेंडन है और ये मसल, ये है मसल, कोई भी हो सकता है, बाइसेप मसल है, ट्राइसेप मसल है। हमने इसके स्ट्रक्चर को आगे जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है। अब इसमें ऊपर की तरफ, मसल्स के ऊपर की तरफ एक कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर होती है और इस लेयर को हम एपिमाइसियम कहते हैं। ये आपने याद रखना है, दिस इज कॉल्ड द एपिमाइसियम। सो व्हाट इज द एपिमाइसियम? दिस इज द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ये कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर है, इसको हम एपिमाइसियम कहेंगे। अब जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं मसल्स का, यहां से हम मसल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें कि किस तरह का स्ट्रक्चर है मसल का, इसको हम बड़ा करके देखें, तो इसमें मसल बंडल होते हैं। इसको हम बड़ा करके देख रहे हैं स्ट्रक्चर को, तो इसके अंदर हमें मिलेगा मसल बंडल्स। तो ये लाइक दिस, ईच मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स, ये। और मसल बंडल्स के ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यूज की एक लेयर होती है, लाइक दिस। ये आपने याद रखना है, ये मसल बंडल है, इसके ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यूज की एक लेयर है और इस लेयर को पेरिमाइसियम, ये। अब इस बंडल में से अगर हम एक सेल को बाहर निकालें, एक सेल को अगर हम देखें इस मसल में से, बंडल में से, दिस इज कॉल्ड द मसल फाइबर। इसको हम मसल फाइबर या मसल सेल कहते हैं और इसके ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर होती है, एक याद रखने, और इसको एंडोमाइसियम कहते हैं, एंडोमाइसियम। तो ये तीन टर्म्स आपने याद रखनी, एक हमने पढ़ा है एपिमाइसियम जो कि मसल्स के ऊपर कनेक्टेड टिश्यू की लेयर है, और एक मसल बंडल के ऊपर कनेक्टेड टिश्यूज की लेयर है, और एक मसल सेल के अंदर कनेक्टेड टिश्यूज की लेयर है। तो मसल के अंदर मसल बंडल है और मसल बंडल जो है वो मसल सेल्स या मसल फाइबर से बना हुआ है। तो एक हमने यहां पर मसल फाइबर या मसल सेल को बड़ा करके देखा। तो अब ये जो मसल सेल्स या मसल फाइबर है, दिस इज ए ह्यूज सेल, ये ह्यूज सेल होता है और इसका जो डायमीटर है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। और याद रखना है, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल्स, दैट इज कॉल्ड द सार्कोलीमा, सार्कोलीमा। क्योंकि ये एक सेल है तो सेल लेवल पर हम इसमें बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं। और जैसा कि हमने इससे पहले ये देखा कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, तो यहां आपने भी याद रखने हैं कि जो मसल सेल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लिस हैं, लेकिन वो न्यूक्लिस जो हैं वो सार्कोलीमा के साथ अटैच होते हैं। क्योंकि ये जो आपको एंडोमाइसियम के नीचे जो आपको लेयर नजर आ रही है, ये लेयर जो इसकी मेम्ब्रेन है इस मसल सेल की, इसी को हम सार्कोलीमा कहते हैं। ये बात आपने याद रखना, दिस इज द मेम्ब्रेन। और इसके अंदर फ्लूइड भी होता है, जो इसके अंदर फ्लूइड होता है, जैसा कि साइटोप्लाज्म होता है हर सेल के अंदर, इसके अंदर भी फ्लूइड है और इस फ्लूइड को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म,
सार्कोप्लाज्म। और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो साइटोप्लाज्म की तरह की होती है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अब डिफरेंसेस क्या होते हैं इसमें, देयर इज मोर मायोग्लोबिन, इसके अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा होती है सार्कोप्लाज्म के अंदर, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं क्योंकि यहां ज्यादा एनर्जी चाहिए, यहां ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करना है, जिस वजह से यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा हैं और जो एक प्रोटीन है मायोग्लोबिन वो भी इसके अंदर ज्यादा होती है। अब ये जो हमारे पास मसल सेल है, अब यहां से हमने आगे चलना है कि इस मसल सेल के अंदर फर्दर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इस मसल सेल्स या मसल फाइबर के अंदर फर्दर अगर हम देखें तो इसमें हमें कंसिस्ट ऑफ मायोफिब्रल्स, इसके अंदर मायोफिब्रल्स होते हैं। अब वो मायोफिब्रल्स किस तरह के होते हैं और उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, अगर हम यहां से फर्दर इसको एनालाइज करें कि मसल सेल्स हैं उसमें किस तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो मायोफिब्रल्स में हमें बैंड्स नजर आते हैं इसमें फर्दर, और अगर हम बैंड्स को देखेंगे तो इसमें हमें डार्कर बैंड भी नजर आते हैं लाइक दिस, ये आपको जो नजर आ रहे हैं डार्कर बैंड है, और साथ हमें इसके अंदर लाइटर बैंड भी नजर आते हैं। ये एक रेगुलर जो स्ट्रिप्स हमने देखी थी उसमें लाइटर और डार्कर बैंड होते हैं लाइक दिस, ये हमें इस तरह से बैंड नजर आ रहे हैं। अब मायोफाइब्रल्स के अंदर जो बैंड्स हैं उनमें ये जो आपको बैंड नजर आ रहा है ये लाइटर बैंड है, लाइटर बैंड, और ये जो आपको बैंड नजर आ रहा है यहां से लेके यहां तक का बैंड, दिस बैंड इज कॉल्ड द डार्कर बैंड, ये डार्कर बैंड है। इसी तरह लाइटर डार्कर, लाइटर डार्कर, ये रेगुलर सेट्रिएशंस हैं इसके अंदर। जो लाइटर बैंड है इसको हम आई बैंड भी कहते हैं, आई बैंड, और जो डार्कर बैंड है इसको हम ए बैंड भी कहते हैं। अब आई और ए बैंड, आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रॉपिक, दिस इज द आइसोट्रॉपिक बैंड, और आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है दैट कैन नॉट लाइक पोलराइज द विजिबल लाइट, इसको हम नॉन पोलराइज्ड भी कह सकते हैं, दिस इज द नॉन पोलराइज्ड। और जो ए बैंड होता है, ए स्टैंड्स फॉर एन आइसोट्रॉपिक, और जो एन आइसोट्रॉपिक होता है दैट इज द पोलराइज्ड बैंड। तो इस तरह से आपको जो ये वाला बैंड ऐसे आई बैंड मिला, फिर ए बैंड, उसके बाद फिर से आपको जो बैंड मिलेगा वो आई बैंड, इस तरह से आगे फिर से ए बैंड हमें यहां पर मिलेगा। अब जो ए बैंड होता है ये वाला जो कि डार्कर बैंड है, उसके दरमियान में एक रीजन होता है जो कि ब्राइटर रीजन है, उसको एच जोन कहते हैं, ये बात याद रखनी, एच जोन। अब एच क्या है, एच इट्स हेले, इसका मतलब होता है ब्राइट, तो ये ब्राइटर रीजन होता है। तो याद रखना है कि जो एच जोन है, एच स्टैंड्स फॉर हेले, ये एच जोन है, और ये एच जोन जो है दैट इज प्रेजेंट इन ए बैंड, ये ए बैंड के अंदर प्रेजेंट है, ए बैंड के अंदर हमें यहां पर मिलेगा। अब इसके अलावा ए बैंड में से एक लाइन बाइसेक्ट करती है और इस लाइन को एम लाइन कहते हैं, एम लाइन, मिड लाइन। और इसी तरह से जो आई बैंड होता है इसको भी एक लाइन बाइसेक्ट करती है, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द जी लाइन, इसको हम जी लाइन कहते हैं। Z stands for position, इसका मतलब होता है between, between। तो I bands को जो line bisect कर रही हैं उनको Z lines कहते हैं, और इन Z lines के दरमियान जो distance होता है यहां से लेके यहां तक, this is called the sarcomere, इसको हम sarcomere कहेंगे। और ये जो sarcomere है, this is one of the contactile unit
ऑफ मसल सेल, ये मसल सेल का एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, दिस इज कॉल्ड द सारकोमियर। या इसकी एक और डेफिनेशन भी कह सकते हैं, दिस इज द एरिया बिटवीन द टू जी लाइन्स, बिटवीन द टू जी लाइन्स, तो जी लाइन्स के दरमियान जो एरिया आपको नजर आएगा दैट इज कॉल्ड द सार्कोमेर, एंड दिस सार्कोमेर इज फाउंड इन द मायोफिब्रल्स। तो याद रखना है कि एक्चुअल जो मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए यूनिट होता है वो मायोफिब्रल के अंदर होता है और उसको हम सार्कोमेर कहते हैं। अब सार्कोमेर में क्या होता है, इसमें आई और ए बैंड आते हैं, और ये दो आई बैंड जो हैं उनमें जो जी लाइन होती है, दो जी लाइन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इसको सार्कोमेर कहेंगे। आगे जब हम कॉन्ट्रैक्शन पे बात करेंगे तो वहां भी आप इसको देखेंगे कि वाकई ही जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इस यूनिट के अंदर होती है जिसको हम सार्कोमेर कहते हैं। अब हम इससे आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि हर मायोफिब्रल के अंदर दैट कंटेन मायोफिलामेंट्स, इसके अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं, मायोफिब्रल में फर्दर मायोफिलामेंट्स। अब इनका हमने मसल सेल्स का हमने डायमीटर देखा 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, और मायोफिब्रल्स का जब हम डायमीटर देखेंगे तो मायोफिब्रल्स का डायमीटर आपको 1 to 2 माइक्रोमीटर मिलेगा, ये मायोफिब्रल्स का डायमीटर। अब हर मायोफिब्रल जो है उसके अंदर फर्दर मायोफिलामेंट होते हैं, और जो मायोफिलामेंट है ये दो तरह के होते हैं, मायोफिलामेंट में थिक फिलामेंट भी होते हैं और थिन फिलामेंट भी होते हैं, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। अब हम इस पे आते हैं, अब ये हमारे पास जो है वो मायोफिब्रल्स का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है मसल सेल के अंदर। अब इसके अंदर मायोफिलामेंट कहां पर है, अब आपने देखना है, यहां पर अलोंग द लेंथ ऑफ द ए बैंड, ए बैंड जो कि डार्कर बैंड है उसके पैरेलल आपको जो फिलामेंट मिलेंगे वो थिक फिलामेंट होंगे, लाइक दिस, ये जो आपको फिलामेंट नजर आ रहे हैं दिस फिलामेंट थिक फिलामेंट, यहां ये अलोंग द लेंथ ऑफ द ए बैंड आपको थिक फिलामेंट मिल रहे हैं, तो ये हम यहां पर कुछ थिक फिलामेंट बना रहे हैं। अब ये तो हो गए थिक फिलामेंट, अलोंग द लेंथ ऑफ द आई बैंड, आई बैंड के पैरेलल एंड स्लाइटली इनटू द ए बैंड जो हमें फिलामेंट मिलेंगे उसको हम थिन फिलामेंट कहेंगे, कौन से वाला ये, अब देखिए यहां से आई बैंड शुरू हो रहा है तो यहां से लेकर स्लाइटली पेनिट्रेटेड इनटू द ए बैंड, अब यहां से आगे ए बैंड शुरू होता है तो कुछ थोड़े से वो ए बैंड के अंदर पेनिट्रेट होंगे। इसी तरह से इधर से आ जाए अगर हम तो यहां से लेकर यहां तक, तो ये वाले जो आपको फिलामेंट नजर आ रहे हैं ये थिन फिलामेंट, ये इसी तरह से ये, तो इस फॉर्म के अंदर आपको जो फिलामेंट मिल रहे हैं ये थिन फिलामेंट है। तो इसमें दो तरह के फिलामेंट नजर आ रहे हैं, ये जो आपको थिक फिलामेंट नजर आ रहे हैं ये थिक फिलामेंट है, और ये जो आपको मिल रहे हैं ये थिन फिलामेंट। अब जो थिक फिलामेंट होते हैं इनका अगर हम डायमीटर देखें तो इनका डायमीटर 16 नैनोमीटर होता है, और अगर हम थिन फिलामेंट का डायमीटर देखें तो इसका डायमीटर जो है वो 7 to 8 नैनोमीटर होता है। तो ये बात आपने याद रखनी। तो इस फॉर्म में आपको मायोफिब्रल्स के अंदर मायोफिलामेंट नजर आ रहे हैं। अब देखें इसमें पहले दोबारा से मैं बता रहा हूं कि जो थिक फिलामेंट होता है ये अलोंग द लेंथ ऑफ द ए बैंड होता है, ये देखें ये ए बैंड है बिल्कुल इसकी लेंथ के मुताबिक जो है वो थिक फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं उसमें फर्दर, और जो थिन फिलामेंट होते हैं दे आर अलोंग द लेंथ ऑफ द आई बैंड एंड स्लाइटली पेनिट्रेटेड इनटू द ए बैंड, और वो ए बैंड के अंदर भी थोड़ा सा पेनिट्रेट किए हुए, यहां से आगे पेनिट्रेट किए हुए, तो ये थिन फिलामेंट है। अब ये दोनों फिलामेंट्स जो हैं इनमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, क्योंकि साफ जाहिर है कि यहां से कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन है। अगर हम थिक फिलामेंट को देखेंगे तो थिक फिलामेंट के अंदर जो प्रोटीन है वो मायोसिन प्रोटीन होती है, ये भी आपने याद रखना है मेनली। और थिन फिलामेंट के अंदर वैसे तीन तरह की प्रोटीन होती हैं, बट देयर इज मेनली एक्टिन, इसमें जो मेन प्रोटीन है वो एक्टिन होती है और वहां पर जो प्रोटीन जो है वो मायोसिन होती है। लेकिन थिन फिलामेंट के अंदर जैसा भी मैंने कहा कि तीन तरह की हमें प्रोटीन मिलेंगी, तो हम इसमें देख लेते हैं कि थिन फिलामेंट में कौन कौन सी प्रोटीन मिलेंगी। थिन फिलामेंट के अंदर हमें एक तो एक्टिन मिल रही है, एक्टिन, इसमें
दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि आपस में ट्विस्ट की हुई हैं, ये आपने बात याद करनी रखनी इसमें। इसके अलावा इसमें ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन होती है। अब जो ट्रोपोमायोसिन है इसके अंदर भी टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और तीसरी तरह की जो प्रोटीन होती हैं वो ट्रोपोनिन प्रोटीन होती हैं। और ट्रोपोनिन की इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और इनमें से थ्री जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है उसकी अटैचमेंट किस तरह से होती है, इसमें से एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक्टिन के साथ अटैच होगी, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होगी, और तीसरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो कैल्शियम आयन के साथ अटैच होगी। जब हम कॉन्ट्रैक्शन की आगे बात करेंगे तो वहां हम इसकी यहां पर इंपॉर्टेंस देखेंगे कि किस तरह से इनकी अटैचमेंट होती है। अब यहां जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एक रिलैक्सेशन फॉर्म में स्ट्रक्चर है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगी तो ये फिलामेंट एक दूसरे के साथ स्लाइड करेंगे। अब अगर हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो उसको एक्सप्लेन किया है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ने, जो कि 1954 के अंदर हिग्सले एंड हिग्सले अलोंग विद देयर कोलीग्स इन 1954 इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। अब इन्होंने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया, इन्होंने देखा कि ये जो थिक एंड थिन फिलामेंट है दे स्लाइड ओवर ईच अदर, ये एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कॉन्ट्रैक्शन आती है तो कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में ये स्लाइड करते हैं। अब ये स्लाइड किस तरह से करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये सार्कोमेयर जो कि कॉन्टेक्टाइल यूनिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि दो जी लाइंस हैं, इन जी लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम एक कॉन्टेक्टाइल यूनिट कंसिडर करते हैं। अब होता ये है कि ये थिन फिलामेंट है, यहाँ पर ये हम देखते हैं कि थिन फिलामेंट है, इसी तरह यहाँ पर थिन फिलामेंट है, अब यहाँ पर एक थिक फिलामेंट प्रेजेंट है ये वाला, ये। अब जो थिक फिलामेंट होता है उसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और आप जानते हैं कि दैट चेन आर टर्मिनेटेड इनटू ग्लोबुलर हेड्स, तो ये आपको यहां पर मायोसिन हेड मिल रहे हैं, मायोसिन हेड, और इनके लिए वर्ड क्रॉस ब्रिजेस भी यूज होता है, ये भी याद रखने क्रॉस ब्रिजेस। अब ये हेड क्या करते हैं, ये हेड जाकर यहां अटैच होते हैं एक्टिन के ऊपर, यहां से इधर, और जैसे ये एक्टिन पर अटैच होते हैं तो इसको स्लाइड करते हैं। अब स्लाइड कहां पे करते हैं, स्लाइड करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर, यानी सार्कोमेयर के अंदर की तरफ, ये इसको इधर को स्लाइड करेंगे और इसको इधर को स्लाइड करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये यहां से इधर ऐसे स्लाइड होगी। अब जब स्लाइड होंगी तो क्या होगा, क्योंकि ये यहां जी लाइंस हैं तो जी लाइन एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब क्या क्या इवेंट्स होंगे, अब इवेंट्स ये होंगे, हम यहां पे आ जाते हैं, जी लाइंस कम क्लोजर टू ईच अदर, जी लाइंस हैं वो एक दूसरे के करीब आ गई। अब ये जी लाइंस थिक फिलामेंट है, इसी तरह से यहां पर जो है वो थिन फिलामेंट है और यहां पर थिक फिलामेंट है, तो इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। तो ये वाली जो आपको स्टेट नजर आ रही है ये स्टेट कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट है, लाइक दिस। अब ये वाली जो स्टेट है दैट इज द स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट जो है और रिलैक्सेशन की स्टेट में क्या फर्क होता है, दिस इज द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन की स्टेट। अब चेंजेस क्या आई, अब इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आई, जब रिलैक्सेशन से कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा तो जो चेंजेस आएंगे उसमें पहली चेंज क्या है, जी लाइन कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ये एक चेंज आई, ये पूछा जा सकता है, जी लाइन जो है वो एक दूसरे के करीब आ गई। थिक और थिन फिलामेंट, या जो थिन फिलामेंट है दैट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर गया,
ये जैसा कि आपको यहां पे नजर आए, अब वो स्लाइड करके, अब ये जो एच जोन होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर, ये एच जोन रिलैक्सेशन में तो नजर आता है, लेकिन यहां पर जब ये स्लाइड कर जाएगा तो ये जोन जो है ये डिसअपीयर हो जाएगा। तो तीसरी जो चेंज है वो क्या है, वो एच जोन डिसअपीयर, एच जोन जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा और इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। और जब फिर से रिलैक्स करेंगे तो जी लाइन एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, ये स्लाइडिंग जो है वो कम हो जाएगी और जैसे ही जो एच जोन है वो अपेयर हो जाएगा, नजर आना शुरू हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, लेकिन इस केस के अंदर ये नजर नहीं आएगा। तो याद रखना है कि जब स्लाइडिंग होगी तो उस दौरान रिलैक्सेशन को कंपेयर करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के साथ कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये आपने याद। तो यहां पर देखें कि ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट के तौर पर काम कर रहा है, कि ये यहां पर जो है वो स्लाइड कर रहे हैं और फिर जिस तरह से रिलैक्स कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो यही एक्चुअली वो सार्कोमेयर है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो हेल्प कर रहा है और एक यूनिट के तौर पे काम कर रहा है।